राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चॉकलेट मामी से मैं सीमा सिंह आपका स्वागत करती हूँ। आप सभी को सावन मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपको आपकी एकादशी का संपूर्ण फल प्राप्त हो और आपका यह व्रत निर्विघ्न बिना किसी बाधा के पूरा हो। इसी शुभकामना को ध्यान में रखते हुए आइए अब हम कामिका एकादशी की प्रमुख प्रमुख व्रत कथाएं सुनते हैं। आइए सबसे पहले कामिका एकादशी की व्रत कथा सुनते हैं। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे ईश्वर, अब आप मुझे सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा को विस्तार से सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है, इसकी क्या विधि है और इस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है, यह भी बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले कि हे राजन, अब मैं तुम्हें सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की पावन कथा को सुनाता हूँ। इस एकादशी को अनेक नामों से जाना जाता है। सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी, कामदा एकादशी और फलदा एकादशी भी कहते हैं। हे राजन, अब मैं तुम्हें एक पवित्र पौराणिक कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। एक समय इस एकादशी की पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोक हित के लिए नारद जी से कहा था। एक समय नारद मुनि ने भीष्म पितामह से कहा कि हे पितामह, आज मेरी सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है, अतः आप मुझे सावन मास की एकादशी की कथा सुनाइए, मैं सुनना चाहता हूँ। तब भीष्म पितामह नारद जी के वचनों को सुनकर बोले कि हे नारद, आपने मुझसे एक अत्यंत ही सुंदर प्रश्न किया है, अब आप ध्यान लगा कर के सुनिए। सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी, कामिका एकादशी, फलदा एकादशी अनेक नामों से जानते हैं। कामिका का शाब्दिक अर्थ है कामना और इच्छा। जो कोई भी मनुष्य जिस इच्छा से इस एकादशी का व्रत करता है, भगवान लक्ष्मी नारायण उसकी वही इच्छा पूर्ण कर देते हैं। इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। कामिका एकादशी के व्रत में शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान का पूजन किया जाता है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी बड़ा फल मिलता है। यही फल सूर्य चंद्र ग्रहण केदार कुरुक्षेत्र में स्नान करने से मिलता है। विष्णु भगवान के पूजन का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने, सिंह राशि वालों को गोदावरी नदी में स्नान करने के फल से भी अधिक होता है। व्यति पात में गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल मिलता है, वही फल इस एकादशी के दिन भगवान की पूजा करने से ही मिल जाता है। भगवान विष्णु की पूजा का फल श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के फल के बराबर है। अतः भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा न बन सके तो इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गौदान करने से जो फल मिलता है, वही फल सावन मास की इस एकादशी का व्रत करने से ही मिल जाता है। जो उत्तम द्विज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का व्रत करते हैं तथा श्री विष्णु भगवान का पूजन करते हैं, उससे समस्त वेद नाग किन्नर पितृ आदि की पूजा हो जाती है। हे नारद, एक बार भगवान ने खुद अपने मुख से कहा था कि मनुष्य को अध्यात्म विद्या से जो फल मिलता है, उससे भी अधिक फल सावन मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का व्रत करने से ही मिल जाता है। इस व्रत के करने से मनुष्य अंतिम समय अनेक दुखों से युक्त यमराज तथा नरक के दर्शन नहीं करता। इस एकादशी का व्रत करने और रात्रि जागरण करने से मनुष्य कुयोनि से छूट जाता है और अंत में स्वर्ग का सुख पाता है। जो उत्तम मनुष्य श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी को तुलसी से भक्ति पूर्व विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, वे संसार सागर में रहते हुए भी इस प्रकार अलग रहते हैं जिस प्रकार कमल जल में रहता हुआ जल से अलग रहता है। भगवान की तुलसी दल से पूजा करने का फल एक बार स्वर्ण और चार बार चांदी के दान के फल के बराबर मिलता है। श्री विष्णु भगवान रत्न मोती मणि आभूषण आदि की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न रहते हैं। जो मनुष्य भगवान की तुलसी दल से पूजा करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय श्री तुलसी जी को नमस्कार करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन करने मात्र से मनुष्य के जीवन भर के पाप धुल जाते हैं और तुलसी का शरीर के स्पर्श होने मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है।
तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मनुष्य की समस्त यम यातनाएं छूट जाती हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु के चरण कमलों में अर्पित करता है, उसे मुक्ति तुरंत मिल जाती है। जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान के सामने दीप दान करते हैं, उनके पितर स्वर्गलोक में सुधा का पान करते हैं। जो मनुष्य भगवान के सामने घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं, उनको सूर्य लोक में सहस्त्र दीपकों का प्रकाश मिलता है। इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण हत्या आदि पाप भी दूर जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं, वे इस लोक के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद विष्णु लोक को ही पाते हैं। इस एकादशी के महात्म्य का श्रवण और पठन करने मात्र से मनुष्य को स्वर्ग लोक का वास मिलता है। आइए अब हम श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी की व्रत कथा सुनते हैं। प्राचीन काल में रत्नानगरी गांव में एक ठाकुर परिवार रहता था। उन्हीं के पड़ोस में शिवदत्त नाम का एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। ठाकुर बड़ा ही कुशल स्वभाव का था, जबकि उसकी पत्नी बड़ी ही शांत, नरम, दयालु स्वभाव की और सभी की मदद करने वाले स्वभाव की थी। एक दिन की बात है, ठाकुर का अपने पड़ोसी ब्राह्मण शिवदत्त से किसी बात पर झगड़ा हो गया। ठाकुर की पत्नी अपने पति को बहु समझाई। उस समय ठाकुर की पत्नी अपने पति को समझाते हुए बोली कि हे स्वामी, बात को यहीं खत्म कर दीजिए। यह एक ब्राह्मण है, ब्राह्मण के ऊपर हाथ उठाना महापाप है। लेकिन ठाकुर ने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी और उसने एक लकड़ी ब्राह्मण के सिर पर दे मारी, जिससे ब्राह्मण का राम राम हो गया। यह देखकर ठाकुर की पत्नी अपने पति से बोली कि हे स्वामी, आपने एक ब्राह्मण की हत्या करके बहुत बड़ा पाप किया है। आपके ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया है, आपने बड़ा ही अनर्थ कर दिया। जब ठाकुर का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ तो उसे अपनी पत्नी की बात में सच्चाई नजर आई। ठाकुर को ब्राह्मण की हत्या का पछतावा होने लगा। ठाकुर ने अपनी पत्नी से कहा कि अब मैं इस पाप दोष से कैसे छूट सकता हूँ। पत्नी बड़ी ही समझदार थी, उसने कहा कि इसका तो एक ही उपाय है, हम सभी को इसका प्रायश्चित करना होगा। हमें इस ब्राह्मण के 12 ब्राह्मण करने चाहिए। ठाकुर अपनी पत्नी की बात से सहमत हो गया। वह उसी समय गांव में 12 ब्राह्मणों को जिमाने का न्योता देने गया। लेकिन गांव के सभी ब्राह्मणों ने एक ही बात कही कि तुम्हारे ऊपर ब्रह्महत्या का दोष लगा है। तुम्हारे घर का अन्न तो क्या जल भी हम नहीं पी सकते, क्योंकि तुमने एक निर्दोष ब्राह्मण की हत्या करी है। यह सुनकर ठाकुर निराश हो गया और घर आकर उसने अपनी पत्नी को पूरी बात बताई और दुखी होकर बैठ गया। ठाकुर को उदास देखकर उसकी पत्नी अपने पति को समझाते हुए बोली कि हे स्वामी, अब इस समस्या से छूटने का एक उपाय और बचा है, हमें किसी पंडित से इसका उपाय पूछना चाहिए। तब काशी के एक पंडित को बुलाया गया और उसे पूरी बात बताई गई। काशी पंडित ने कहा कि आपके ऊपर एक ब्राह्मण की हत्या का पाप चढ़ा है। आपके घर का अन्न जल कोई भी ब्राह्मण न खाएगा नहीं पिएगा, जब तक आप इस ब्रह्म हत्या के दोष से छूट नहीं जाओगे। तब ठाकुर और उसकी पत्नी ने पंडित जी से पूछा कि हे पंडित जी, ब्रह्म हत्या के दोष से छूटने का क्या उपाय है, कृपया करके कोई उपाय बताइए। अगर कोई व्रत उपवास हो, दान पुण्य हो तो वो बताइए, हम सब कुछ करने को तैयार हैं। काशी पंडित ने कहा कि तुम्हारे भाग्य से सावन मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी आने वाली है। तुम दोनों अपने परिवार वालों और कुटुंब कबीले के साथ श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का पूरे विधि विधान से उपवास करो, तभी तुम इस पाप दोष से छूट पाओगे। उसके कुछ समय के बाद श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी आई। ठाकुर ने अपनी पत्नी और बंधु बांधुओं के साथ पूरे विधि विधान से एकादशी का उपवास किया। इसके करने के बाद वह ब्रह्महत्या के पाप दोष से छूट गया। उसके बाद उन्होंने मृतक निर्दोष ब्राह्मण के 12 दिन करे और गांव के सभी ब्राह्मणों को बुलाकर के स्वादिष्ट भोजन कराया और खूब दान दक्षिणा दी और एक योग्य ब्राह्मण को दूध देने वाली गाय बछड़ा सहित दान में दिया। इस प्रकार सावन मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी के व्रत के प्रभाव से वह ठाकुर ब्राह्मण की हत्या के दोष से छूट गया और इस जीवन के सुखों को भोग कर मरने के बाद विष्णुलोक को प्राप्त हुआ। शास्त्रों में कहा गया है कि जो कोई भी इस कथा को पढ़ता, सुनता या सुनाता है,
वह अनंत कोटि गुना पुण्य फल का भागी होता है। और जो कोई भी कामिका एकादशी का व्रत करता है वह ब्रह्म हत्या जैसे दोष से भी छूट सकता है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक बार चंद्रपुर नगर में एक संत महात्मा जी प्रवचन दे रहे थे। उस नगर के सभी लोग महात्मा जी के प्रवचन सुनने के लिए पहुंचे। तब उस नगरी में एक निम्न जाति की विधवा महिला जिसका नाम संतो था वह भी प्रवचन सुनने पहुंची। वहां पांडाल में सभी तरह के लोग बैठे हुए थे जिनमें अमीर गरीब सभी थे। चूंकि संतो निम्न जाति की थी तो वह पांडाल में सबसे पीछे एक कोने में जाकर बैठ गई और महात्मा जी के प्रवचन सुनने लगी। महात्मा जी ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी हैसियत के अनुसार जप तप दान पुण्य व्रत उपवास करने चाहिए ताकि बुरे कर्मों को धोया जा सके, क्योंकि सांसारिक प्राणी अपने जीवन में थोड़ा बहुत पाप कर्म तो अवश्य ही करते हैं। कुछ ज्यादा पाप करते हैं तो कुछ कम करते हैं, लेकिन अछूता कोई नहीं है। महात्मा जी आगे बोले कि एक पीपा घी का यज्ञ में आहुति देने पर 1 इंच बरसात होती है। प्रत्येक मनुष्य को 4 काम स्वयं ही करने पड़ते हैं। उस काम को अन्य किसी से नहीं करवाया जा सकता। जैसे पेट भरने के लिए स्वयं ही खाना खाना पड़ेगा, अन्य से खाना खाने के लिए कहेंगे तो उसी का पेट भरेगा। दूसरा है विवाह, वह भी इंसान खुद करेगा तो ही उसका विवाह होगा। अन्य को उसकी जगह बैठाया जाएगा तो उसका विवाह थोड़े ही होगा। तीसरा है व्रत उपवास दान पुण्य और प्रभु भक्ति, यह भी इंसान अगर खुद करेगा तो ही इसका फल मिलेगा। चौथा है मृत्यु, यह भी जिसकी मौत आएगी वही मरेगा, कोई अन्य उसके बदले नहीं मर सकता। संत महात्मा जी इसी तरह से अच्छी अच्छी ज्ञान वर्धक बातें प्रवचन में सुना रहे थे। संत महात्मा जी ने आगे कहा कि यहाँ पांडाल में अनेक धनी लोग बैठे हैं, अतः उन्हें अपने जीवन काल में 1 यज्ञ अवश्य करवाना चाहिए, क्योंकि यज्ञ करवाने से पितृ खुश होते हैं। पितृ खुश होंगे तो उस व्यक्ति की संतति समृद्धि बढ़ेगी। उस व्यक्ति के ऊपर पितृ लोक से उनके पितर फूलों की बरसात करेंगे। वहां पांडाल में बैठी गरीब संतो बड़े ही ध्यान से महात्मा जी के प्रवचन सुन रही थी। तब वह मन ही मन सोचने लगी कि मैं भी 1 यज्ञ करूं, लेकिन मेरे पास न धन है न जमीन है, मैं यज्ञ कैसे कर सकती हूँ। जब प्रवचन खत्म हो गया नगर के सभी लोग अपने अपने घरों को चले गए, लेकिन संतो अभी भी पांडाल में बैठी थी। जब संत महात्मा जी अपने शिष्यों के साथ जाने लगे तो उन्हें पांडाल में सबसे पीछे संतो बैठी हुई दिखाई दी। खुद चलकर महात्मा जी उसके पास गए और बोले कि कल्याणी शाम हो गई है, रात्रि होने वाली है, प्रवचन समाप्त हो चुका है, तुम्हें भी तुम्हारे घर जाना चाहिए। तब संतो महात्मा जी को प्रणाम करते हुए बोली कि महात्मा जी आपने अभी प्रवचन में कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन काल में 1 यज्ञ अवश्य करवाना चाहिए, परंतु महात्मा जी मैं तो बड़ी गरीब हूँ, न तो मेरे पास धन है न ही कोई जमीन जायदाद। तब महात्मा जी मुस्कुराते हुए बोले कि पुत्री तुम्हारे पास जो है तुम वही करो, तुम्हें उसी से पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। पुत्री तुम श्रम दान करो, तुम्हारा यह श्रम दान ही तुम्हें किसी यज्ञ जितना फल दिलवा देगा। तब गरीब संतों को महात्मा जी की बात समझ में नहीं आई तो संतो महात्मा जी से बोली कि महात्मा जी मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई, कृपया करके मुझे अच्छे से समझाइए। तब महात्मा जी बोले कि पुत्री श्रमदान का मतलब है कि तुम किसी आश्रम में जाकर अपनी सेवाएं दो, गाय की सेवा करो, तुम्हें यही यज्ञ जितना फल दे देगा। महात्मा जी की बात सुनने के बाद संतो महात्मा जी को प्रणाम करके खुद की झोपड़ी पर आ गई। पूरी रात वह यही सोचती रही कि मुझे क्या करना चाहिए, कि तभी उसे ध्यान आया कि उन्हीं के नगर में एक आश्रम है। संतो ने निश्चय किया कि मैं रोज आश्रम में जाकर अपनी सेवाएं दूंगी। दूसरे दिन संतो सुबह जल्दी उठी और आश्रम के बाहर पहुंच गई। उसने देखा कि आश्रम में बहुत से अमीर लोग आ और जा रहे थे। तब उसकी हिम्मत आश्रम में जाने की नहीं हुई।
उसने सोचा कि अगर मैं आश्रम में जाऊंगी तो सभी मुझे धक्के देकर भगा देंगे। फिर उसने मन ही मन सोचा कि मैं रात्रि में आकर पूरे आश्रम की साफ सफाई कर दूंगी। उसके बाद वह वापस घर आ गई। अर्ध रात्रि में संतोष चुपचाप आश्रम में गई और उसने पूरे आश्रम की साफ सफाई कर दी। सुंदर सुंदर मांडने मांड दिए, गाय भैंस के बाड़े की साफ सफाई करी, गोबर पोटे उठाए, उपले बनाए और वापस घर आ गई। दूसरे दिन आश्रम में गुरुजी जब सो कर उठे तो उन्हें आश्रम में साफ सफाई दिखाई दी, सुंदर सुंदर मांडने दिखाई दिए, गाय भैंसों के बाड़े की साफ सफाई भी दिखाई दी और गोबर के उपले भी बने हुए दिखाई दिए। गुरुजी ने आश्रम में सभी से पूछा कि यह कार्य किसने किया, लेकिन सभी आश्रम वासियों ने इनकार कर दिया। गुरुजी ने मन ही मन सोचा कि कोई भक्त तो है जो आश्रम में आकर साफ सफाई करके चला गया, मुझे इसका पता लगाना पड़ेगा। दूसरी रात्रि को फिर से संतों ने आकर आश्रम में साफ सफाई करी, गाय भैंसों के बाड़े की सफाई करी, गोबर पोटे उठाए, उपले बनाए और सुबह होने से पहले चली गई। दूसरे दिन सुबह गुरुजी फिर से उठे तो उन्हें फिर से आश्रम में साफ सफाई दिखाई दी। गुरुजी ने निश्चय किया कि आज रात्रि को मैं खुद पता करके रहूंगा कि यह कार्य कौन कर रहा है। तीसरी रात्रि को गुरुजी सोए ही नहीं, पूरी रात्रि वे जागते रहे कि तभी अर्ध रात्रि में संतो आश्रम में आई और साफ सफाई करने लगी। झाड़ू की आवाज सुनकर आश्रम के गुरुजी संतों के पास आए और बोले कि हे कल्याणी, तुम कौन हो, कहां से आती हो और क्यों तुम अर्ध रात्रि में आकर आश्रम की साफ सफाई करती हो। तब संतों ने गुरुदेव को प्रणाम किया और बोली कि हे महाराज, मेरा नाम संतो है, मैं निम्न जाति की विधवा महिला हूँ। मैं अगर दिन में यहाँ आती तो कोई मुझे आश्रम में आने नहीं देता। हे महाराज, एक बार हमारे गांव में एक संत महात्मा जी ने प्रवचन में कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन काल में एक यज्ञ अवश्य करना चाहिए ताकि पुण्य की प्राप्ति हो और दुखों का नाश हो। लेकिन जब मैंने महात्मा जी से कहा कि मेरे पास तो यज्ञ करने के लिए धन ही नहीं है, तो उन्होंने मुझे श्रम दान करने की सलाह दी। इसीलिए मैं रोज रात्रि में आकर आश्रम में श्रम दान करती हूँ। तब आश्रम के गुरुजी ने संतों से कहा कि हे संतो, तुम्हारे संत महात्मा जी ने प्रवचन में जो कुछ भी कहा वह सत्य कहा है, लेकिन हे कल्याणी, तुम रोज रात्रि में आश्रम में आओगी और अगर नगर वासियों ने तुम्हें यहाँ रात्रि में आते हुए देख लिया तो तुम्हारी ही नहीं मेरी भी इज्जत धूमिल हो जाएगी। तब संतो उदास होते हुए बोली कि हे गुरुदेव, अब मैं क्या करूं, धन मेरे पास है नहीं कि मैं यज्ञ कर सकूं, श्रमदान मैं कर नहीं सकती, अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं। तब गुरुदेव ने कहा कि हे कल्याणी, तुम पूरे निस्वार्थ भाव से विष्णु भगवान का पूजन करो, दोनों एकादशी का उपवास करो तथा जो गुरु मंत्र मैं तुम्हें देता हूँ तुम उस गुरु मंत्र का 125,000 बार जप करो। जब तुम यह पूर्ण कर लोगी तो तुम्हें यज्ञ करने जितना फल मिलेगा। उसके बाद संतों ने गुरुदेव से गुरु मंत्र लिया और गुरुजी को प्रणाम करके अपनी झोपड़ी पर आ गई। अब संतो वही करने लगी जो आश्रम के गुरुदेव ने कहा, वह विष्णु भगवान का पूजन करने लगी और मैंने की दोनों एकादशी का उपवास करने लगी और पूरे समय गुरु मंत्र का जाप करने लगी। तब उसने नियत समय से पहले ही 125,000 गुरु मंत्र का जाप कर लिया। तब एक रात्रि को संतो मन ही मन सोचने लगी कि मैंने गुरु की बताई विधि से पूजा, व्रत और मंत्रों का जाप कर लिया, क्या मुझे यह यज्ञ करवाने जितना फल देगा या नहीं, कैसे पता करूं। इस तरह फिर से कई दिन बीत गए। तब एक दिन उस नगर के राजा का इकलौता पुत्र बीमार पड़ गया। डॉक्टर, वेद, नीम, हकीम सभी ने जवाब दे दिया। फिर एक मंत्री के कहने पर राजा ने काशी के एक पंडित जी को बुलाया और राजा के बेटे की जन्मपत्री दिखाई गई और पूछा गया कि मेरा पुत्र कब और कैसे ठीक होगा। काशी पंडित ने राजा से कहा कि महाराज, अगर आपने या आपके परिवार में से किसी ने भी 24 एकादशी के उपवास करे हों, गरीबों को अन्न वस्त्र रुपया का दान करा हो, ब्राह्मण की कुंवारी कन्याओं के फेरे पटकवाए हों,
भागवत रामायण करवाई हो, नगर में कुएं तालाब बावड़ी धर्मशाला अनाथ आश्रम खुलवाए हो, यज्ञ हवन किए हो, अगर इनमें से कोई एक कार्य भी किया हो, अगर वह अपना पुण्य आपके पुत्र को सौंप दे तो आपके पुत्र की आयु बढ़ सकती है। अब राजा ने काशी पंडित जी से कहा कि महाराज, मैं धन का लोभी रहा, मोह माया के जाल में ही फंसा रहा, मैंने और मेरे परिवार में से किसी ने भी इनमें से कोई कार्य नहीं किया। तब पंडित जी कुछ देर सोच कर बोले कि फिर तो महाराज एक अंतिम उपाय है, अगर आपके नगर में किसी ने इनमें से भी कोई एक कार्य किया हो, अगर वह अपने अच्छे कर्मों का पुण्य आपके पुत्र को सौंप दे तभी भी आपका पुत्र बच सकता है। तब राजा ने पूरी नगरी में ये ढिंढोरा पिटवाया कि जिस किसी ने भी पंडित जी द्वारा बताए हुए कार्यों में से कोई भी एक कार्य किया हो तो वह अपना पुण्य मेरे पुत्र को सौंप दे तो बदले में मैं उस व्यक्ति को मुंह मांगा इनाम दूंगा। तब पूरी नगरी में कोई नहीं था जिन्होंने ये इतने पुण्य कार्य किए हों, मात्र केवल एक संतो ही थी जिसने पूरी श्रद्धा लगन से विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का पूजन किया था, 24 एकादशी के उपवास करे थे और 1,25,000 गुरु मंत्र का जाप किया था। जब संतों को इस बात का पता चला तो वह मन ही मन सोचने लगी कि मुझे महल में जाना चाहिए और अपने यज्ञ का पुण्य राजा के पुत्र को सौंप देना चाहिए, इससे मुझे मालूम भी चल जाएगा कि मुझे गुरु के बताए तरीके से पूजा व्रत जाप करने से यज्ञ करने जितना फल मिला भी है या नहीं, इससे मेरी परीक्षा भी हो जाएगी। दूसरे दिन संतो सुबह जल्दी उठी, नहाई धोई और राजा के पास महल में पहुंच गई। उसे महल में जाते हुए देखकर पहरेदार उसे डांटने लगे और बोले कि अरे शूद्र जाति की महिला, भाग यहाँ से, तू कहाँ महल में घुसी जा रही है, तेरे महल में आने से ये महल अपवित्र हो जाएगा। तब संतों ने कहा कि अरे भाई, मैं तो अपने यज्ञ का पुण्य राजा के पुत्र को सौंपने आए हूँ। यह सुनकर सभी पहरेदार हंसने लगे। तभी वहाँ एक समझदार मंत्री था, उस मंत्री ने पहरेदार को डांटा और वो संतों को लेकर महल में आए। तब दरबार सजाया गया, राजा रानी मंत्री संतरी प्रजा के गणमान्य लोग एकत्रित हुए, संतों को राज दरबार में बैठाया गया। संतों को देखकर सभी पहरेदार मंत्री संतरी प्रजाजन हंसने लगे कि यह निम्न जाति की महिला ने कौन सा यज्ञ किया होगा। तब राजा रानी ने संतों से पूछा कि हे कल्याणी, तुमने कौन सा यज्ञ किया है। तब संतों हाथ जोड़कर राजा से बोली कि महाराज, मुझे मेरे गुरुजी ने जो करने के लिए कहा मैंने वही किया, अगर उसका पुण्य आपके पुत्र को देने से आपके पुत्र की जान बच सकती है तो मैं अपना यज्ञ आपके पुत्र को देना चाहती हूँ, साथ ही मेरी भी परीक्षा हो जाएगी कि गुरु के बताए तरीके से पूजा पाठ व्रत उपवास और गुरु मंत्र का जाप करने का फल मुझे यज्ञ करवाने जितना मिला भी है या नहीं। तब राजा रानी संतों को लेकर अपने पुत्र के कक्ष में गए। तब संतों ने पूरे विश्वास के साथ हाथ में तुलसी मिश्रित जल लिया और संकल्प भरा और बोली कि हे ईश्वर, अगर मेरे किए गए व्रत पूजा और गुरु मंत्र जाप का फल कोटि यज्ञ करवाने जितना है तो मैं अपने 500 यज्ञों का पुण्य राजा के पुत्र को देना चाहती हूँ तथा बाकी के 500 यज्ञों का पुण्य मैं परलोक के लिए संचित रखना चाहती हूँ। संकल्प लेने के बाद संतों ने तुलसी मिश्रित जल राजा के पुत्र के ऊपर छिड़क दिया। ऐसा करते ही राजा का पुत्र आंखें मलता हुआ अंगड़ाई लेता हुआ उठकर खड़ा हो गया। वहां खड़े राजा रानी मंत्री संतरी प्रजाजन आश्चर्य चकित हो गए। राजा रानी संतों के चरणों में गिर पड़े और बोले कि हे कल्याणी, तुम बताओ तुम्हें इसके बदले में क्या चाहिए, हीरे मोती सोने चांदी में तुम्हें तोल दूं, धन दूं, जमीन जायदाद तुम्हारे नाम कर दूं, या 1,000 गायें दान में दूं, तुम जो कहोगी मैं वही देने को तैयार हूं। अभी राजा रानी की बात खत्म ही हुई थी कि तभी संतों को लेने के लिए देवलोक से पुष्पक विमान आ गया। तभी संतों ने अपनी पुरानी दह को त्याग दिया और एक दिव्य दह धारण करके कीमती अलौकिक
आभूषणों और रेशमी वस्त्रों से सुसज्जित होकर, सभी से पूजनीय और वंदनीय होकर देव विमान में बैठकर वैकुंठ लोक में चिरकाल तक आनंद सुख भोगने के लिए चल दी। जब संतो विमान में बैठकर जा रही थी तो उसे प्रवचन देने वाले संत महात्मा जी ने देखा, आश्रम में से गुरु जी ने देखा। तब राजा रानी के साथ प्रजा के सभी लोगों के और संत और गुरुदेव के दोनों के हाथ भी जुड़ गए। बोलिए विष्णु भगवान की जय, जय हो एकादशी माता की जय। एक बार एक नगर में एक राजा था। वह बड़ा ही प्रतापी, दानी, दयालु, धर्मात्मा प्रवृत्ति का था। वह राजा हर एकादशी के दिन सम के साथ पूरी प्रजा से एकादशी का उपवास करवाता था। उसकी प्रजा में सभी सुखी थे। उसके राज्य में सभी एकादशी का उपवास रखते थे। उस दिन कोई भी अन्न नहीं बेचता था और न ही कोई अन्न खाता था। राजा, रानी, मंत्री, पूरी प्रजा एकादशी के दिन फलाहार ही करते थे। तब एक दिन भगवान ने सोचा कि इस राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। तब भगवान ने एक सुंदर युवती का रूप बनाया और उस राजा के राज्य में सड़क के किनारे जाकर बैठ गए कि तभी राजा अपने मंत्रियों के साथ रथ में बैठकर नगर भ्रमण के लिए गुजरा। तब राजा ने मार्ग में सुंदर युवती को बैठे हुए देखा तो राजा उस युवती की सुंदरता पर मंत्रमुग्ध हो गए। राजा रथ से उतरकर उस सुंदर युवती से पूछने लगे कि तुम कौन हो, यहाँ अकेली क्यों बैठी हो, तुम्हारा भाई, पिता, पति कहाँ हैं? तो वह सुंदर युवती बोली कि हे महाराज, मैं तो अनाथ हूँ, मेरा कोई माता पिता भाई नहीं और अभी तक तो मैं कुंवारी हूँ, इस नगर में मेरा कोई नहीं, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, किससे सहायता मांगू। इस तरह वह करुण रुदन गाने लगी। उसके वचनों को सुनकर राजा को उसके ऊपर दया आ गई। राजा का मन पहले से ही उस सुंदर युवती के ऊपर आ गया था। तब राजा उस सुंदर युवती से बोले कि हे सुंदरी, तुम मेरे साथ चलकर मेरे महल में रहो, मैं तुम्हें अपनी रानी बनाकर रखूंगा। तब वह सुंदर युवती बोली कि महाराज, मैं एक शर्त पर ही आपके साथ महल में चलूंगी, जब आप अपने राज्य का अधिकार मुझे सौंपेंगे तथा जो मैं आपको कहूंगी आपको वही करना होगा। अगर किसी दिन आपने मेरा कहना नहीं माना तो मैं आपको हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी। उस समय राजा को उस सुंदर युवती के अलावा और कुछ दिखाई ही नहीं पड़ रहा था। राजा ने उसकी सारी शर्तें मंजूर कर ली। इस तरह राजा उससे गंधर्व विवाह करके महल में ले आए। कई दिन तक राजा उसके साथ रहने लगे। तब एक दिन देवशयनी एकादशी थी। उस दिन सुंदर युवती ने हुकुम दिया कि सभी बाजारों में रोज की तरह अन्न बेचेंगे। इतना ही नहीं, उस सुंदर युवती ने नौकरों से कहकर भोजन में मांसाहारी भोजन और चावल बनवाए और थाल में मांस और चावल परोसकर राजा से बोली कि महाराज, भोजन खाइए। राजा ने सुंदर रानी से कहा कि हे प्रिय, आज तो मेरा देवशयनी एकादशी का उपवास है, आज के दिन सिर्फ मैं फलाहार ही खाता हूँ। तब रानी ने राजा को अपनी शर्त वाली बात याद दिलाई और बोली कि महाराज, या तो आप भोजन करिए, नहीं तो मैं जो कहूँ आपको वह करना होगा। राजा ने रानी से कहा कि हे रानी, मैं एकादशी के दिन अन्न ही नहीं खाता तो मैं मांसाहारी भोजन कैसे कर सकता हूँ, इसलिए मैं भोजन नहीं करूँगा, तुम अपनी दूसरी शर्त बताओ। तभी राजा की बड़ी रानी भी वहाँ आ गई। तब सुंदर रानी ने राजा से कहा कि महाराज, सोच लीजिए। राजा ने कहा कि हे रानी, इसमें सोचना क्या है, एकादशी के दिन मैं उपवास करना तो नहीं छोड़ सकता, इस दिन मैं अन्न नहीं खाता तो मांस खाने का तो सवाल ही नहीं उठता, इसलिए हे रानी तुम अपनी दूसरी शर्त बताओ। तब सुंदर रानी बोली कि हे महाराज, मेरी दूसरी शर्त यह है कि आपकी बेटी अपने भाई की आरती करे, आप तलवार से अपने पुत्र की गर्दन काटो और आपकी यह बड़ी रानी अपनी झोली में पुत्र की कटी गर्दन को झेले। हे महाराज, अभी शर्त खत्म नहीं हुई है, शर्त यह है कि उस समय आपके चारों के आंखों में से एक आंसू भी नहीं टपकना चाहिए। तब उनकी बातों को राजा के पुत्र और पुत्री भी सुन रहे थे। राजा के पुत्र धर्मागत और उनकी पुत्री ने अपने पिता से कहा कि हे महाराज, हमें यह शर्त मंजूर है, लेकिन एकादशी का उपवास करना नहीं छोड़ेंगे और नहीं एकादशी के दिन मांस ही खाएंगे। तब राजा की बेटी ने अपने भाई धर्मागत की आरती करी, राजा ने पुत्र की गर्दन काटी,
बड़ी रानी ने अपने पुत्र की कटी गर्दन को अपनी झोली में झेल ली। ऐसे मर्मदायक कार्य में किसी की भी आंख में से एक आंसू तक नहीं टपका। एकादशी व्रत के प्रति इतना दृढ़ निश्चय देखकर उसी क्षण वह सुंदर युवती भगवान विष्णु के रूप में प्रकट हो गई और वे राजा से बोले कि हे राजन, मैं तो तुम्हारी परीक्षा लेने आया था, तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए। उसी क्षण राजा का मरा हुआ पुत्र भगवान विष्णु की कृपा से पुनः जीवित हो गया। भगवान विष्णु ने राजा से कहा कि हे राजन, तुमने धर्म की रक्षा करी है, इसलिए मैं तुम्हें पुत्र पौत्र धन संपत्ति का आशीर्वाद देता हूँ। तुम सभी इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद मेरे ही लोक को प्राप्त होगे। उसके बाद राजा रानी और उनके पुत्र और पुत्री सुखमय जीवन जीने लगे और अंत में मरने के बाद बैकुंठ को प्राप्त हुए। जय हो एकादशी माता की, जय हो विष्णु भगवान की। आइए अब हम एकादशी की चौथी कहानी सुनते हैं। एक बार एक राजा था, उसके राज्य में सभी लोग एकादशी के दिन उपवास रखते थे, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करते थे। राजा रानी के साथ सभी मंत्री, दरबारी, सेवक, दास दासी, यहाँ तक कि पूरी प्रजा, पशु पक्षी जानवर तक एकादशी के दिन उपवास रखते थे। कोई भी एकादशी के दिन अन्न नहीं खाते थे। तब एक बार राजा के दरबार में एक व्यक्ति आया और राजा से काम मांगने लगा और बोला कि महाराज, मैं बड़ा ही गरीब हूँ, मेरे माता पिता अंधे हैं, बूढ़े हैं और बीमार हैं, मेरे पांच पांच कुंवारी बहने हैं, परिवार का सारा बोझ मेरे कंधों के ऊपर आ गया है, कृपया करके मुझे आप कोई नौकरी दे दीजिए। राजा को उसके ऊपर दया आ गई। राजा ने उसे नौकरी पर रखने से पहले एक शर्त बताई कि तुम्हें रोज खाने को मिलेगा, महीने की तनख्वाह भी मिलेगी, लेकिन एकादशी के दिन तुम्हें भोजन नहीं फलाहार मिलेगा, क्योंकि मेरे राज्य में सभी एकादशी का उपवास रखते हैं। उस दिन न तो कोई अन्न बेचता है और न ही कोई अन्न खाता है। तब उस व्यक्ति ने राजा की शर्त स्वीकार कर ली। इस तरह समय बीतने लगा। जब 15 दिन बाद एकादशी का दिन आया तो राजा के रसोइये ने उस व्यक्ति को भोजन में फलाहार दिया तो वह व्यक्ति राजा के पास आया और कहने लगा कि हे महाराज, फलाहार से मेरा पेट नहीं भरेगा, आज से पहले मैंने कभी कोई व्रत उपवास नहीं रखा, अगर मैं व्रत करूंगा तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा और फिर मेरे मरने के बाद मेरे परिवार का क्या होगा, इसलिए हे महाराज मैं उपवास नहीं कर सकता। तब राजा ने उस व्यक्ति को अपनी शर्त वाली बात याद दिलाई, लेकिन वह व्यक्ति एक छोटे बच्चे की भांति रोने लगा। राजा को उसके ऊपर दया आ गई। राजा ने कहा ठीक है। तब राजा ने अपने रसोइये से कहकर उसे आटा, दाल, तेल, घी, चीनी, नमक, मिर्च सब दिलवा दिया। उसके बाद राजा ने कहा कि देखो, महल में तो भोजन नहीं बनेगा, तुम यह भोजन तालाब के किनारे जाओ और वहां पर लकड़ियां जलाकर के भोजन बना लो, क्योंकि आज एकादशी के दिन महल में भोजन नहीं बनेगा, लेकिन भोजन बनने के बाद सबसे पहले तुम भगवान को जरूर भोग लगाना, उसके बाद ही तुम भोजन करना। तब वह व्यक्ति खाने का सामान लेकर तालाब के किनारे गया। सबसे पहले उसने तालाब में स्नान किया और फिर भोजन बनाया। भोजन बनाकर जैसे ही वह खाने लगा कि तभी उसे राजा वाली बात याद आई कि राजा ने कहा था कि भोजन बनने के बाद पहले भगवान को भोग लगाना है। तब वह एक पत्तल में भोजन रखकर भगवान को आवाज लगाने लगा और बोला कि हे प्रभु, भोजन बनकर तैयार है, आकर भोजन कर लीजिए। उस व्यक्ति ने आज से पहले कभी भगवान को भोग नहीं लगाया था तो उसे नहीं मालूम था कि भोग किस तरह लगाया जाता है। वह बड़े ही प्रेम और निस्वार्थ भाव से भगवान को आवाजें लगा रहा था। तब बैकुंठ में बैठे भगवान विष्णु से माता लक्ष्मी बोली कि हे प्रभु, पृथ्वी पर एक भक्त आपको एकादशी के दिन भोजन खाने के लिए बुला रहा है, लेकिन प्रभु आज तो आपका और मेरा दोनों का एकादशी का उपवास है। तब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से बोले कि हे प्रिय, यह भक्त मेरा बड़ा ही प्रेम भाव से हमें बुला रहा है, चलिए आज हम एकादशी पर उसका बनाया हुआ भोजन खाते हैं और उससे एकादशी का उपवास करवाते हैं।
तब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी गरुड़ पर सवार होकर उस व्यक्ति के पास भोजन खाने पहुंच गए। वह व्यक्ति मन ही मन सोचने लगा कि भगवान तो अकेले नहीं आए, अपने साथ माता लक्ष्मी को भी लेकर आए हैं। मुझे अपने हिस्से का भोजन भी इन्हें खिलाना पड़ेगा और मुझे भूखा रहना पड़ेगा। भगवान तो चाहते ही यही थे कि वह व्यक्ति एकादशी का उपवास करे। भगवान स्वयं एकादशी के दिन अन्न खाकर उससे एकादशी का उपवास करवा रहे थे। भगवान ने उस व्यक्ति के मन की बात को जान लिया। तब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने भोजन खाया और भोजन खाकर गरुड़ पर सवार होकर पुनः वैकुंठ में चले गए। उस दिन उस व्यक्ति का एकादशी का उपवास हो गया। उस दिन उसे भूखा ही रहना पड़ा। उस दिन भगवान ने उसका एकादशी का उपवास करवा दिया। इस तरह 15 दिन निकल गए। 15 दिन बाद जब दोबारा एकादशी का दिन आया तो वह व्यक्ति वापस राजा के पास आया और उनसे पूरी बात बताई कि महाराज, पिछली बार एकादशी पर मुझे भूखा ही रहना पड़ा, क्योंकि जब मैंने भोग खाने के लिए भगवान को आवाज लगाई तो भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी भी आई थी, तो मुझे अपने हिस्से का भोजन उन्हें खिलाना पड़ा और मुझे भूखा रहना पड़ा। इसलिए हे महाराज, आज आप रसोइये से मुझे ज्यादा सामान दिलवा देना। राजा को उस व्यक्ति की बात पर यकीन नहीं हुआ। तब राजा ने उस व्यक्ति से कहा कि अरे क्या तुम मूर्ख हो, कहीं भगवान भी भोग खाने आते हैं? मैंने तो अपने जीवन काल में इतने व्रत उपवास दान पुण्य और यज्ञ हवन किए, परंतु भगवान ने कभी मुझे दर्शन नहीं दिए और न ही कभी मेरे भोग को खाने आए। राजा की बात सुनकर वह व्यक्ति बोला कि महाराज, अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप स्वयं चलकर देख लीजिए। तब राजा ने उस व्यक्ति की बात को स्वीकार कर लिया। राजा ने रसोइये से कहकर उस व्यक्ति को ज्यादा आटा, दाल, तेल, घी, गुड़, चीनी सभी चीजें दिलवा दी। उसके बाद राजा उस व्यक्ति के पीछे पीछे तालाब तक गए और एक पेड़ के पीछे खड़े होकर देखने लगे। उस व्यक्ति ने सबसे पहले तालाब में स्नान किया, फिर दाल रोटी बनाई और 3 थालियों में भोजन लगा दिया और आवाज लगाने लगा कि हे प्रभु, भोजन बनकर तैयार है, आप भोग लगाने आ जाइए। उस दिन उसने अनेक बार आवाज लगाई लेकिन भगवान नहीं आए। सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम होने वाली थी। उस व्यक्ति ने कहा कि भगवान, अगर आप आज भोजन करने नहीं आएंगे तो मैं इस तालाब में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। तभी वह व्यक्ति तालाब में कूदकर जान देने लगा। उसी समय भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ देवीमान में बैठकर आए और उस व्यक्ति के साथ बैठकर भोजन किया। भोजन खाने के बाद भगवान उस व्यक्ति को अपने साथ विमान में बैठाकर बैकुंठ में ले गए। यह देखकर राजा आश्चर्य में पड़ गया। तब राजा ने मन ही मन सोचा कि मैंने पूरी उम्र व्रत उपवास दान पुण्य यज्ञ हवन किए, लेकिन मेरे तो सभी पुण्य निष्फल हो गए। जब तक मन शुद्ध नहीं होता, मन में निस्वार्थ भावना नहीं होती, तब तक व्रत दान का कोई फल नहीं मिलता। उस व्यक्ति ने साफ मन से निस्वार्थ भाव से भगवान को भोग लगाया था, तो भगवान ने उसे न केवल दर्शन दिए बल्कि उसके भोग को भी स्वीकार किया। मात्र उसने एक एकादशी का उपवास किया था, उस एकादशी के फल में ही उसे बैकुंठ का वास मिला। भगवान उस व्यक्ति को अपने साथ विमान में बैठाकर बैकुंठ धाम में ले गए। उसके बाद राजा का भी हृदय परिवर्तन हो गया। राजा का मन राज्य सुख में नहीं लगता था। राजा को यह राज्य सुख वैभव सब बेकार लगने लगे। तब एक दिन राजा ने राज्य का सुख वैभव सब त्याग करके जंगल में जाकर कठोर तपस्या करने लगा, जिससे राजा को भी मरने के बाद बैकुंठ का धाम मिला। जय हो एकादशी माता की, जय हो विष्णु भगवान की जय। एकादशी व्रत का संपूर्ण फल पाने के लिए तुलसी जी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। आइए अब हम तुलसा जी की कहानी सुनते हैं। एक बार एक छोटा सा गांव था। उस गांव में 7 भाइयों की एक बहन थी। 7 भाइयों का विवाह हो चुका था। माता पिता का बहुत साल पहले ही स्वर्गलोक गमन हो चुका था। 7 भाइयों की बहन बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। जब से समझदार हुई तभी से वह तुलसा जी की पूजा पाठ किया करती थी, दियाबाती करती, भोग लगाती थी। रोज तुलसा जी की सेवा पूजा वह पूरे तन मन से करती थी।
तब एक दिन सभी भाभियों ने अपनी ननद को ताना देते हुए कहा कि क्या रोज रोज तुलसा जी की सेवा में लगी रहती है। अगले घर ब्याह होकर जाएगी तो तुम घर का कोई कामकाज करना क्यों नहीं सीख लेती? आगे जाकर तो तुम्हें रोटी सब्जी चूल्हा चौका बर्तन कपड़े ही करने हैं। ऐसा कहकर सातों भाभियां अपनी ननद के ऊपर हंसने लगी, लेकिन ननद कुछ नहीं बोली क्योंकि उसे अपने भाइयों का घर बनाना था, बिगाड़ना नहीं था। इस तरह समय बीतने लगा। जब वह विवाह लायक हुई तो सातों भाइयों ने अपनी एको एक लाडली बहन के लिए अच्छा घर ढूंढा। तब भाइयों ने अपनी पत्नियों से कहा कि देखो, मेरी बहन के लिए दहेज का सारा सामान तुम्हें ही लाना है, कपड़े गहने बर्तन इत्यादि। तो सभी ने हामी भर दी। तब सातों भाभियों ने अलग अलग डिब्बों में किसी में तुलसी की पत्तियां डाल दी, किसी में तुलसी की जड़, किसी में तुलसी की मंजरी, किसी में तुलसी की मिट्टी, किसी में टहनियां, तो किसी में तुलसी के बीज डाल दिए। इस तरह 10-15 स्टील के डिब्बे तैयार करके रख दिए और अपने अपने पतियों से बोली कि सुनो जी, हमने ननदबाई की शादी की पूरी तैयारी कर ली है। अलग अलग डिब्बों में अलग अलग सामान रखवा दिए हैं। लेकिन उनकी सच्चाई तो केवल ननद ही जानती थी, लेकिन उसने अपने भाइयों को कुछ नहीं कहा क्योंकि वह अपने भाई भाभी का घर बसाना चाहती थी, बिगाड़ना नहीं चाहती थी। तब शादी वाला दिन भी आ गया। भाइयों ने अपनी बहन का धूमधाम से विवाह किया और बहन को ढेरों आशीर्वाद देकर विदा कर दिया। 12 दूल्हा दुल्हन के साथ अपने गांव की ओर चल दी। पहले के जमाने में बारात या तो पैदल पैदल जाती थी या फिर ऊंट गाड़ी या बैल गाड़ी में जाती थी, तो उन्हें जाने में कई दिन लग जाते थे। तब वह बारात पैदल पैदल जा रही थी। तब एक जगह रात्रि हो गई। तब उन्होंने एक स्थान पर रात्रि विश्राम करने का विचार किया। बरातियों को और सगे संबंधियों को भूख लगी। तब ससुर ने सोचा कि समधी जी के यहाँ से इतने सारे स्टील के डिब्बे आए हैं, जरूर किसी न किसी में भोजन होगा। जैसे ही ससुर ने एक स्टील का डिब्बा खोल कर देखा तो उसमें ढेर सारी मैदा की गरम गरम पुड़िया और आलू की सूखी सब्जी निकली। सभी ने भोजन खाया। भोजन बड़ा ही स्वादिष्ट था। भोजन खाकर सभी ने वहीं रात्रि विश्राम किया। सुबह फिर से वे अपने गांव की ओर चल दिए। दोपहर तक सभी अपने अपने घर पहुंच गए। जब बहन ससुराल में पहुंची तो सभी ने उसकी खूब बड़ाई करी। जब ससुराल वालों ने स्टील के डिब्बे खोल कर देखे तो किसी में गहने, किसी में बर्तन, किसी में रुपयों की थैली, किसी में नए नए कपड़े, किसी में चावल, घी, तेल, गुड़, काजू, बादाम निकले। माता तुलसी ने तुलसी के पत्ते, टहनी, बीज, मंजरी और मिट्टी को गहने, कपड़े, बर्तन और सामानों में बदल दिए। हे तुलसी माता, जैसे आपने सात भाइयों की बहन के ऊपर कृपा करी, जैसे आपने उन्हें तुलसी पूजा का फल दिया, वैसे हमें भी देना। जय हो तुलसी माता की जय। आप भी मेरे साथ एकादशी माता की आरती बोलिए। ओम जय एकादशी माता, मैया एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं तेरी भक्ति प्रदान करनी, मैया भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता, मार्ग शीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्व तारिणी जननी मैया विश्व तारिणी जननी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है मैया सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में हो ये पुत्रता आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे मैया कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की मैया शुक्ला आमल की,
पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की ओम जय एकादशी माता। चैत्र माह में नाम कामदा धन देने वाली मैया धन देने वाली। नाम बरूथिनी कृष्ण पक्ष में वेसाख महावाली ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षी मैया अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी मैया कृष्ण पक्ष करनी। देव शयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी ओम जय एकादशी माता। कामिका सावन मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए मैया कृष्ण पक्ष कहिए। सावन शुक्ला होय पवित्र आनंद से रहिए ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला मैया परिवर्तनी शुक्ला। इंद्रा अश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला ओम जय एकादशी माता। पापा कुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरण हारी मैया आप हरण हारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी ओम जय एकादशी माता। देव उत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया मैया दुख नाशक मैया। पावन मास में करो विनती पार करो नैया ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी मैया जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होय पद्मनी दुख दारिद्र हरनी ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे मैया भक्ति सहित गावे। जन गुरु दीता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता मैया एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता ओम जय एकादशी माता। इस तरह आज हमने सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की संपूर्ण व्रत कथाएं सुनी। आशा करती हूँ आपको इन कथा कहानियों को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।